वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर भी जीत का जश्न जो है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, दतिया में बड़ौनी नंबर पंचायत में बीजेपी का क्लीन स्वीप हुआ है। पूरे 15 वार्ड में बीजेपी की विजय का परचम लहराया जा रहा है। बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बंगले पर मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। गृह मंत्री का माला पहनाकर स्वागत भी किया गया, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का स्वागत किया गया फूल मालाओं के जरिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि शुरुआती जो नतीजे आए उसके हिसाब से लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 वार्डों में बीजेपी की विजय का परचम जो है वो लहराया है। लगातार मिठाइयां खिलाई जा रही हैं बंगले पर। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां पर मिठाइयां खिलाकर स्वागत जो है वो किया जा रहा है। दतिया बड़ौनी पंचायत में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। पूरे 15 वार्ड में बीजेपी की विजय का परचम लहराया गया है। हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बात इंदौर की मैं करूं तो क्या तस्वीरें और अभी फिलहाल स्थिति क्या है, उलटफेर कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल अंजलि, पहले राउंड के जो रुझान है वो आ चुके हैं और मैं अभी मतगणना केंद्र के बाहर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को जो है 23,402 वोट पहले राउंड में मिले हैं और पुष्पमित्र भार्गव को 25,143 वोट मिले हैं। यानी कि जो आंकड़ा है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1741 वोटों से पहले राउंड में जो है बीजेपी विजय हुई है। इसमें 273 वोट जो हैं वो नोटा को गए हैं और इस जगह के अगर कुल वोटों की बात की जाए तो 51,738 कुल वोट पहले राउंड में डले हैं। तो कहीं ना कहीं पहले राउंड में जो है बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो उत्साह वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है अंजलि। लगातार अभी बिल्कुल हम देख भी पा रहे हैं, पूरा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। हेमंत, नजर आप जरूर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।